दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के 38वें दीक्षांत समारोह के तहत शुक्रवार को विश्वविद्यालय के वाणिज्य विभाग द्वारा दीक्षांत सप्ताह समारोह के 5वें दिन ह्यूमन टेक्नोलॉजी इंटरसेफ यानी मानव प्रौद्योगिकी इंटरसेफ विषय पर विशेष व्याख्यान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह एवं मुख्य वक्ता दिल्ली विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के डीन प्रोफेसर रितेश कुमार सिंह के बुके एवं अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर स्वागत करने के साथ ही किया गया। ह्यूमन टेक्नोलॉजी इंटरसेफ यानी मानव प्रौद्योगिकी इंटरसेफ विषय पर दिल्ली विश्वविद्यालय से आए प्रोफेसर रितेश कुमार सिंह ने मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित करते हुए बताया कि प्रौद्योगिकी की प्रगति मनुष्य और मशीन की सीमाओं को धुंधला कर रही है। भौतिक, डिजिटल व जैव वैज्ञानिक तीनों स्तरों पर रोबोटिक्स, ड्रोन्स, नव पदार्थ तथा बायोस्टैटिक प्लास्टिक, ग्राफीन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एवरीथिंग्स, ब्लॉक चेन या सिंथेटिक बायोलॉजी, नैनो रोबोट, वांडर ड्रग्स, डिजाइनर बेबी, जीनी रूपांतरण आदि इसके निहित परिणाम ही हैं। इन तीनों का अंतर्मिश्रण डिसरप्टिव प्रौद्योगिकी की उन्नति है। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर वी के सिंह ने किया। इस अवसर पर वाणिज्य संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर अवधेश कुमार तिवारी, दीक्षांत स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष प्रोफेसर राजवंत राव, अर्थशास्त्र विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर करुणा कर राम त्रिपाठी, उपकुलपति प्रोफेसर हरिशर जी, कला संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी, प्रोफेसर प्रेम सागर, प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे, अध्यक्ष शिक्षक संघ प्रोफेसर वी के सिंह, प्रोफेसर सुषमा पांडे, संकाय के पीएचडी व परास्नातक के छात्र छात्राएं मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए वाणिज्य संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर अवधेश कुमार तिवारी ने कहा, इसमें दीक्षांत समारोह के अंतर्गत दीक्षांत व्याख्यान माला सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर रजनीकांत पांडे जी, प्रोफेसर शरद मिश्रा जी और ह्यूमन हेयर से 1,000,000th टाइम थिनर है। द सेकेंड क्लस्टर वे टेक्नोलॉजी इज फिल्ड दैट इज the digital domain where we are looking at internet of things and we have gone a step beyond talking about internet of everything. LG ne ek television ka izaad kiya hai jo aapke ghar mein ghuste hi आपकी पसंद का चैनल ऑन कर देगा। एक ऐसे रेफ्रिजरेटर का इजाद किया है जिसको कोई प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं है, वो आपके एक महीने के कंजम्पशन पैटर्न को स्टडी करके उस रेफ्रिजरेटर से जो भी चीज जैसे जैसे आप इस्तेमाल के लिए निकालते जाएंगे उस चीज को वापस रिप्लेनिश कर देगा, ऑर्डर प्लेस कर देगा Amazon को, Flipkart को, बिग बास्केट को। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रिप्टोग्राफिकली सिक्योर्ड टेक्नोलॉजी इज स्कैटर्ड एट डिफरेंट प्लेसेस वेयर द एक्सेस अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम वन सोर्स बट इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट लेयर्स मे बी इन टाइम्स टू कम। One of our traditional contentions of dispute, the land records, would be maintained cryptographically using blockchain technology. तो शायद एक खसरा खतौनी आने वाले समय में एक दूसरे रूप में हमारे सामने आएगा। और तीसरा क्षेत्र जिसमें टेक्नोलॉजी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है
वो है बायोलॉजी, सिंथेटिक बायोलॉजी, जहां पे एक ऐसे कपड़े का इजाद किया जा रहा है जो गर्मी और जाड़े दोनों में पहना जाएगा, एक ऐसे नैनो रोबोट का इजाद किया गया है जिसका साइज है 10^-6 meters, मे नॉट बी विजिबल विथ नेकेड आइज, एंड दिस डेवलपमेंट मे गो फॉर चेंजिंग द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, क्योंकि अभी कैंसर के कुछ पेशेंट्स को जिनको रेडियोथेरेपी दी जाती है, रेडिएशन बाहर से दिया जाता है, शरीर के ऊपर से दिया जाता है, कुछ जिंदा सेल भी उस रेडिएशन में मर जाते हैं, पर ये रोबोट शरीर के अंदर जाके सिर्फ कैंसर इन्फेक्टेड पार्ट पे ही रेडिएशन देगा, बाकी चीजों को नहीं छुएगा। वंडर ड्रग्स का इजाद किया गया है जो एक स्पेसिफिक डिजीज को सिर्फ उसी जगह पे जाके ठीक करेगा। डिजाइनर बेबीज विच आई ऑफन टॉक अबाउट, फर्स्ट डिजाइनर बेबी हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय चाइना, दिस डिजाइनर बेबी प्रोड्यूस्ड बाय चाइना विल नेवर हैव एड्स, विल नेवर हैव एनी हार्ट एलिमेंट, उसको कभी मेंटल इलनेस नहीं होगी, बिकॉज द सिंथेटिक बायोलॉजिस्ट दे हैव लर्नड हाउ टू ट्वीक विद द जीन्स, ह्यूमन जीन्स। जेनो ट्रांसप्लांटेशन इज टेकिंग प्लेस वेयर इफ द ह्यूमन ऑर्गन इज टू बी रिप्लेस्ड, the organ would be grown in an animal and therefrom it would be taken and transplanted in the human. Genetically modified seeds are being developed which will survive extreme weathers, which will survive flood as well as drought. It sounds very good, and the intermixing of the physical, digital and biological world, this is changing entire sphere, aur is change ki gati itni drut hai ki iske saath chal pana, dheere dheere chal pana bahut hi mushkil aur dushkar hai. And some of the established notions in the domain of commerce and economics in times to come will go in oblivion. And one impact of this disruptive technological advancement is that a very given established notion of marginal cost, which the students of commerce and economics will appreciate, कि एक additional unit की cost क्या होती है, this concept will fade out. The concept like scale economies, कि अगर हम थोक में खरीदें तो पैसा प्रति यूनिट कॉस्ट कितनी होगी और खुदरे में खरीदें तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी होगी, ये सारे कॉन्सेप्ट आज के टेक्नोलॉजी के जमाने में धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं और आने वाले समय में बिल्कुल खत्म हो जाएंगे. एन एग्जाम्पल इज दैट वी आर मूविंग टूवर्ड्स ऑन डिमांड सब्सक्रिप्शन इकोनॉमी. व्हेन यू विजिट टू प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर, एंड यू डाउनलोड एन ऐप, द कॉस्ट ऑफ दैट डाउनलोडिंग इज ऑलमोस्ट जीरो, सो देयर इज नो मार्जिनल कॉस्टिंग. द रेट एट विच information goods are being transferred is phenomenal. गोरख दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के द्वारा
आयोजित 38वें दीक्षांत समारोह के अंतर्गत दीक्षांत सप्ताह व्याख्यान माला के आज 5वें दिन वाणिज्य संकाय और वाणिज्य विभाग के संयुक्त तत्वाधान में एक विशिष्ट व्याख्यान का आयोजन किया गया है, जिसके मुख्य वक्ता हैं प्रोफेसर आर के सिंह, अधिष्ठाता व्यवसाय एवं वाणिज्य दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली। यह व्याख्यान का जो थीम है, जो विषय है, वो ह्यूमन टेक्नोलॉजी इंटरफेस, जिसका मतलब है कि वर्तमान समय में टेक्नोलॉजी हमें हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित कर रही है, और ऐसा लगता है कि आज का जीवन, आज का जो मानवीय जीवन है, हमारा जो रूटीन है, वो बिना टेक्नोलॉजी के असंभव है, बहुत ही कठिन है। लेकिन ये एक टेक्नोलॉजी हमें सुविधाएं दे रही है, हमें बड़े से बड़े जगहों तक एक्सेस बना रही है, लेकिन उसके साथ ही साथ जो हमारे भारतीय मूल्य हैं, जो परस्पर संवाद है, जो परस्पर मित्रता है, या जो हमारा एक समूहवादी प्रवृत्ति, उसको वो प्रभावित कर रहा है, जिसके परिणाम से व्यक्ति दिख तो रहा है एक साथ, लेकिन मानसिक रूप से वो अलग अलग है। इस एक तरफ तो टेक्नोलॉजी हमें चंद्रमा पर पहुंचा रही है, दूसरे तरफ हमारे बगल में रहने वाले व्यक्ति से हमको अलग कर रही है। ये जो दुविधा है, ये जो दो तरह का प्रभाव है, इन प्रभावों से कैसे निपटा जाए, इनके इसी मंथन के लिए यह विशिष्ट व्याख्यान आयोजित है।